ब्रिटेन में कोरोना वायरस से कोहराम जारी है। यहाँ लगातार लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने अमेरिका और स्पेन के बाद सबसे ज्यादा तबाही यहीं पर मचा रखी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक करीब 32,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन में बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में जारी लॉकडाउन को लेकर भविष्य का रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि इंग्लैंड में अब एक नया कोविड अलर्ट सिस्टम कोरोना वायरस को ट्रैक करेगा। साथ ही पीएम ने इस हफ्ते लॉकडाउन को खत्म करने से इनकार किया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अब यूके में 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। This is not the time simply to end the lockdown this week. Instead, we're taking the first careful steps to modify our measures. And the first step is a change of emphasis that we hope that people will act on this week. हालांकि बुधवार से इंग्लैंड में लोग व्यायाम के लिए जा सकते हैं और अपने स्थानीय पार्कों में भी बैठ सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। ब्रिटेन में अब स्कूल 1 जून के बाद ही खुल सकेंगे। वहीं हवाई जहाज से यूके से आने वाले लोगों को पहले 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य कर्मियों की बहादुरी और कठोर श्रम की भी तारीफ की। इसके अलावा बोरिस जॉनसन ने जरूरी कामों में लगे लोगों, मसलन पुलिस, बस ड्राइवर, कूड़ा उठाने वाले लोगों की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने लगातार रिसर्च करके वैक्सीन इजाद करने की कोशिश में लगे वैज्ञानिकों के प्रयास की भी सराहना की।